श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप हम बात करेंगे श्री गोमती चक्र के बारे में। ये आध्यात्मिक चैनल है, इसमें आपको टोटका बोटका कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही मिलेगा, मंत्र मिलेंगे भगवान के और भगवान के बारे में बताया जाएगा। इसके तांत्रिक भाई भी बहुत करते हैं लेकिन हमें वो पसंद नहीं है, उसमें नहीं जाएंगे। धन्यवाद, सुनते रहिए। अभी गोमती चक्र अंगूठे के बारे में बता रहा हूँ कि अंगूठी कैसे पहननी चाहिए। अभी जो आपको दिखाई दे रहा है उस तरह से मत पहनिए अंगूठी। इस तरह से जो राउंड होता है, सात का अंग जैसा दिख रहा है राउंड, वो बाहर की तरफ होता है, वो पहनिए। अभी जो दिखाई दे रहा है आपको, ये टाइप पहनिए। और अगर ये उंगली में पहननी है तो अनामिका है उसमें पहनिए, इस टाइप की दिखिए आप, अंदर साइड में है तो आपको धन प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से पहननी है तो पितृ दोष रहेगा, तो उस हिसाब से पहनिए, लेकिन वो अंदर साइड होना चाहिए। ये धन प्राप्ति के लिए है, सुनिए एक बार। और ये पितृ दोष के लिए, धन प्राप्ति के लिए है ये लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड में ये अंगुली पहननी है तो धन प्राप्ति के लिए है, अंदर रहना चाहिए। और ये अंगुली अगर पहली उंगली पर पहनते हैं तो पितृ दोष शांत होते हैं। तो इस हिसाब से पहनिए, ये आपके लिए बता रहे हैं। शुभ होता है बहुत ही, गौम से चक्र उसका नंबर मंत्र सुनिए आप। अगर कोई शारीरिक से बीमार है इस तरह से मत भेजिएगा आप, उल्टा बाहर जा रहे हैं वो, सुख सुख से अंदर आने चाहिए। अंदर आएंगे तो ये अपने गुलाब को पा पाएंगे। ओम वा आरोग्याधिकारी योगान शिशान महा, बीमार आदमी कहना दे इस तरह से मत बोलिए। और अगर हमें लक्ष्मी के लिए पहननी है, देखिए पितृ दोष के लिए है ये लक्ष्मी जी के लिए, तो लेफ्ट में उसका मंत्र है ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, इस तरह से पहनिए और आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपका दिन शुभ हो और अवश्य ज्ञान गंगा में प्रवेश कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।